जिनके इंतजार में पूरे बोकारो जिले के भाजपाई यहाँ पे मौजूद थे, खुद विधायक भी यहाँ पे आए हुए थे, वो अभी अभी नॉमिनेशन करके निकले हैं जिला अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कैसा महसूस हो रहा है पहले ये बताएं, पार्टी ने आप पे विश्वास? पार्टी ने जो काम किया है, मैं पार्टी से ऐसे भी खुश था और आज मुझे मैंने मेरी पॉलिटिकल लाइफ 30 बरस का हो गया है और पार्टी ने जो काम किया है इसे मुझे आज काफी खुशी हो रही है, मुझे काफी खुशी हो रही है। तो क्या अंतर होगा अगले बार और इस बार के चुनाव में क्या अंतर होगा? मैंने अंतर इतना अच्छा होगा जो आपको 16 तारीख को पता चलेगा कि क्या अंतर हुआ है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोगों के? हम मुद्दा लेकर जाएंगे कि नगर जो परिषद है उसका संपूर्ण विकास हो। तो क्या लगता है अभी तक विकास नहीं हो पाता? कुछ कमी है, जो माननीय विधायक जी हमारे 65 करोड़ रुपया का पानी का योजना लाने का काम किया है और सारा चीज हो गया है और ये चुनाव का आचार संहिता लगने के कारण उद्घाटन नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आने वाले थे लेकिन आचार संहिता लग गया है और यह भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो पार्टी के 3-4 लोग नाराज चल रहे हैं जिन्होंने उम्मीदवारी अपने यहाँ पे ठोक दिया है, तो कितना नुकसान हुआ? कहाँ कोई किसी का नाराजगी नहीं है, किसी की नाराजगी नहीं है, और अगर कुछ नाराजगी है तो भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी है, परिवार में थोड़ा इधर उधर होता है तो हमारे परिवार का जो मुखिया है वो समझा लेंगे। तो लोग कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर बनने के लिए तैयार हो? एकदम, मैं बाजीगर हूँ और बाजीगर रहूंगा 16 तारीख को। तो सुना आपने, ये तो जिला अध्यक्ष जगन्नाथ राम जिन्होंने कहा हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस बार बाजीगर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। कैमरामैन देवेंद्र के साथ GP हिमांशु, अंतर कथा न्यूज, बोकारो।